क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव अभी नज़दीक है, तो ये चुनाव में सरकार हार जाएगी। उन्हें मालूम है ये संविधान बदलने का जो इनका मंशा है वो तो पूरी होगी नहीं। जब आज़ाद हुआ था देश तब इन्होंने कहा था कि संविधान की जरूरत है, हमारे पास मनुस्मृति है। वो आपको ये बताना होगा कि संविधान में क्या कमी है जो आज के माहौल में फिट नहीं बैठ रही। गरीब जनता को पढ़ने का अधिकार ना हो, स्वास्थ्य का अधिकार ना हो, 2 जून की रोटी के लिए भी वो तिल तिल मतलब वो गिड़गिड़ाए इनके सामने, इनका गुलाम बन के रहे। ये एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जब तक ये नहीं करेंगे इनका माहौल कैसे बनेगा। अब इनको चुनाव जीतना है, इनको पता है कि ये जीतने वाले नहीं है। जिस दिन हमने अपनी शक्ति को पहचान ली ना, उस दिन प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा और हर सूबे के मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे। संविधान को बदलने की बात लगातार चल रही है। पहले जंतर मंतर पर प्रतियां जलाई गई, सरकार ने कोई सुध नहीं ली, कोई केस नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ, जबकि संविधान के साथ इस तरीके का बर्ताव करना देशद्रोह है। संविधान को ख़त्म करने की बात भी करना देशद्रोह है, लेकिन वो लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं वो। अधजल गगरी छलकत जाए, ये है इनके साथ। ये जो संघ और भाजपा है जो है, मुट्ठी भर लोग हैं ये, और ये इनके मन में है, विचार में है शुरू से। संविधान का ये शुरू से विरोध करते आए हैं, तो ये शुरू से चाहते थे संविधान ख़त्म हो जाए। मगर ये पूरा देश जो है, ये पूरा देश संविधान के साथ है, पूरे देश की भावना उसमें है, पूरे देश की जो आत्मा उसमें बसी हुई है संविधान में। तो ये संविधान उनके बस में नहीं है बदलने का, तो इसलिए वो कोशिश तो करते हैं। देखो समाज में देश में 2 किस्म के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, तो बुरों की संख्या हमेशा कम होती है, तो ये बुराई का प्रतीक है। ये चाहते हैं बदल जाए, मगर ये खुद ही बदल जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो ना, हमारा संविधान समता स्वतंत्रता मैत्री पर आधारित है, और इनकी जो विचारधारा है संघ और भाजपा की, वो समता स्वतंत्रता मैत्री के खिलाफ है। तो जो संविधान समता स्वतंत्रता मैत्री पर बना होगा तो उसको कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि तो इनके विचारधारा बिल्कुल उलट है उसके। तो ये शुरू से लगे हुए उस संविधान के खिलाफ, संविधान को गाली। तो मुझे तो नहीं लगता ये संविधान बदलने वाला है। हाँ, ये संविधान बदलने की कारण हो सकता है अब इनकी अगली बार इनकी सत्ता ही बदल जाएगी। देखिए सब लोग अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं, सबके विरोध का तरीका होता है। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है ये तो हमें मालूम नहीं। राजनीतिक पार्टियाँ किस हिसाब से काम करती हैं, हम तो राजनीति के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो विरोध सभी कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है, हो सकता है अब ये चुनाव के टाइम एकदम से सारे लोग किस स्ट्रेटेजी से इसका विरोध करेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव अभी नज़दीक है, तो ये चुनाव में सरकार हार जाएगी। उन्हें मालूम है ये संविधान बदलने का जो इनका मंशा है वो तो पूरी होगी नहीं। अभी तो इनके इससे पहले जो इनका IPC CRPC एविडेंस एक्ट को बदलने की, अभी तो पहले उसको तो पूरा कर लें, अभी तो वही फेल हो जाएगी इनकी। संविधान तो बहुत दूर की, तो संविधान ख़त्म फिर लागू क्या, संविधान कुछ है तरीका लागू क्या फिर? जो संविधान अगर ये हटाना चाहते हैं बदलना चाहते हैं, बयान आते 17 साल में संविधान बदल, तो अगर संविधान बदला तो फिर ये लाना चाहते हैं मनुस्मृति, जो इनका ओरिजिनल संविधान। जब आज़ाद हुआ था देश तब इन्होंने कहा था कि संविधान की जरूरत है, हमारे पास मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति इनका, इनकी चाहत है, इनका सपना है मनुस्मृति को दोबारा से लागू करना। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि जो मनुस्मृति गैर बराबरी के ऊपर, शोषण के ऊपर, महिलाओं शूद्रों के हित की है जो मनुस्मृति, उस स्मृति मनुस्मृति पर आधारित एक संविधान लाना चाहते हैं। और इनका इनकी जितनी भी दलीलें हैं आज तक, हमेशा ये कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया। तो दुनिया में कितने संविधान हैं आज तक, संविधान इस आधार पर बदला कि पुराना हो गया। वो आपको ये बताना होगा कि संविधान में क्या कमी है जो आज के माहौल में फिट नहीं बैठ रही। अगर पुराने से ही बदलना है तो ये गीता को बदलें, रामायण को बदलें जिसकी ये बात करते हैं, वेद उससे भी पुराने हैं उसको बदलें। तो इनको बदलने की मांग क्यों नहीं करते, ये तो उससे भी पुराने हैं, ये तो सैकड़ों सालों से पुराने हैं, इनको बदलने की मांग क्यों नहीं करते? आपको जब भी कोई चीज़ बदलनी है तो आपको ये बताना पड़ता है कि मैं इसको क्यों बदलना चाहता हूँ। तो ये कारण बताएं, हमारी प्रस्तावना में क्या कमी है, मौलिक अधिकार जो दिए गए क्या हम उनको छीनना चाहते हैं, या आप और ज़्यादा अधिकार देना चाहते हैं, तो आप अमेंडमेंट करके दे दो अधिकार। अगर आपको लग रहा है इतने मौलिक अधिकार कम है, अब इससे कुछ ज़्यादा ही देने हैं हमने, इनको ज़्यादा ही इच्छा जाग रही है, शिक्षा का अधिकार देना, सबको फ्री शिक्षा देने की इनकी मंशा आ रही है, इसी में चेंज कर दो, सबको फ्री स्वास्थ्य सेवाएँ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक जैसी शिक्षा प्रणाली हो, कोई प्राइवेट ना हो, कोई सरकारी स्कूल ना हो, है ना, बनाए ना, हम तो चाहते हैं ऐसा बनाए, मगर ऐसा बोल रहे हैं ये, ऐसा बोल नहीं रहे। ये चाहते हैं कि देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गुलाम रहे, गरीब जनता को पढ़ने का अधिकार ना हो, स्वास्थ्य का अधिकार ना हो, 2 जून की रोटी के लिए भी वो तिल तिल मतलब वो गिड़गिड़ाए इनके सामने, इनका गुलाम बन के रहे। ये एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें कि लोगों के अधिकार छीने जाएँ, लोगों की रोजी रोटी छीनी जाए, लोगों की आय छीन ली जाए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी से इतना पीड़ित हो जाए
कि वो जिंदा रहने को ही अपना अधिकार समझे। क्या कहेंगे मनुस्मृति अगर लागू होती है, क्या कहेंगे? मैं नहीं, पहले आपने जो प्रश्न पूछा था उस पे मैं आता हूँ। आपने बोला कि जो विवेक देबरॉय हैं वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के प्रमुख हैं, तो वो तो आर्थिक सलाहकार समिति के हैं ना, उनकी क्या अथॉरिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर उनकी कोई अथॉरिटी है? संविधान, अरे स्वर्ण है वो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो किस कैपेसिटी में, आखिर किस कैपेसिटी में वो इस तरह की बातें कह रहे हैं या इस तरह का लेख लिख रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो ये बात, ये जो भय की पैदा किया जा रहा है कि संविधान बदल देंगे, ये सिर्फ इनका एंगेजिंग डिप्लोमेसी है, ये लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। मैं एक चीज़ अभी आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की है उसके अंदर उन्होंने जो सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म को ऐसे बनाया है कि कल को अगर किसी तरह की आँच आएगी भी संविधान पर, तो संविधान के जो अपने प्रोविजन्स हैं which will activate itself to defend the constitution itself, I mean self defensive mechanism hai that will protect the constitution itself. aur usme aap dekhiyega ki ye to sirf abhi ye bhay paida kar rahe hai na, kyunki ye jab tak ye nahi karenge inka mahol kaise banega, ab inko chunav jeetna hai, इनको पता है कि ये जीतने वाले नहीं है, तो इसलिए इस तरह की बातों को एंगेजिंग डिप्लोमेसी में, यानी कि लोगों को उलझा दो चीज़ों में और अपना काम करके निकल जाओ, ये नहीं होने देना है। जनता को एक संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि ये सरकार अगर लोगों को जो गांव में बैठे हैं या जिनको कुछ अनाज मुफ्त में दे रही है, वो उनको अपाहिज बना रही है, उनको मानसिक रूप से अपाहिज बना, उनके बच्चों को मानसिक रूप से अपाहिज बना रही है, इस चीज़ को समझना होगा। सब और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो चुनाव आने वाला है अभी 2024 का, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी आज अखबारों में, मेनस्ट्रीम मीडिया में, टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप उसको देखना बंद कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखिए और देखिए कि अगर ये सरकार रही और सच में अगर इसने संविधान बदलने की कोशिश की या कुछ इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन किए, तो आपका भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपके अपने भविष्य को हमेशा उज्जवल रखना है, उसको अंधकार में होने से बचाना है, इसलिए भाजपा और आरएसएस के जो एजेंडा हैं उसके झांसे में नहीं आना है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, एक चीज़ समझने की जो बहुत ज़रूरत है कि आज ये जो भी कर रहे हैं संसद में, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास नंबर है, नंबर उनके फेवर में है। बट अगर हमारे लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि हमारी संख्या 85% से ज़्यादा है, और जिस दिन हमने अपनी शक्ति को पहचान ली ना, उस दिन प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा, और हर सूबे के मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे।